हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेलेक्टिंग द डेटा इन माई सीक्वल। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले अपना डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर जो हमें टेबल क्रिएट करना है वो दोनों टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे। ये जो फाइल है डॉट सीक्वल फाइल जो है सेलेक्टिंग डेटा के नेम से, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया और उस डेटाबेस को मैंने शो किया और उसी डेटाबेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने एक टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय के नेम से, इसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स लिए हैं, और एक टेबल मैंने क्रिएट किया मेंटोरशिप के नेम से, और इन टेबल के अंदर मैंने डेटा को इंसर्ट किया है। तो ये मैंने इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर कॉलम का नेम लिया है, फिर वैल्यूज़ के बाद मैंने सारे जो भी अपने वैल्यूज़ थे वो इंसर्ट करा दिए। इसी तरीके से मैंने मेंटोरशिप के अंदर भी कुछ डेटा है जो इंसर्ट करा दिए। अब मैं टेबल को शो करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने कमांड रन किया तो मेरे पास दो टेबल है, एम्प्लॉयज़ एंड मेंटोरशिप। इसके बाद मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्क्राइब बेसिकली एम्प्लॉय के अंदर जितने भी जो फील्ड बने हुए हैं, जो कॉलम्स बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरे ये सारे टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से मेंटोरशिप के अंदर भी मैंने चेक किया तो मेरे ये कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो एम्प्लॉय टेबल है, इस टेबल के अंदर कितने सारे डेटा है, मतलब सारे के सारे डेटा को मैं चेक करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे सारे डेटा को चेक करना है तो मैं यूज़ करूँगा इस कमांड को, मैं जूम कर लेता हूँ, मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल और फिर सेमी कॉलन। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो पूरे के पूरे डेटा जो मेरे एम्प्लॉय टेबल के अंदर है कॉलम वाइज सब कुछ हमारे पास शो होगा। तो इतने सारे डेटा हमारे कॉलम के अंदर है। तो ये वन एक आईडी है जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम है राम, मेल है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरी और ईयर्स इन अ कंपनी। इसी तरीके से बाकी डेटा भी जो है इसके अंदर डले हुए हैं। अब मुझे अगर मेंटोरशिप के अंदर चेक करना है, जैसे मेंटोरशिप है जो मैंने दूसरा टेबल क्रिएट किया था मेंटोरशिप, मुझे इसको चेक करना है तो मैं इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब सारे के सारे कॉलम को चेक करना है फ्रॉम मेंटोरशिप। इसको मैं रन करूँगा सेलेक्ट करके तो ये मेरे मेंटोरशिप के अंदर जितने भी डेटा है वो शो हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये सारे के सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे केवल मेंटोर आईडी और प्रोजेक्ट का नेम चाहिए। तो मुझे अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग स्टार की जगह पे उस कॉलम का नेम देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ मेंटोर अंडरस्कोर आईडी, और मुझे एक प्रोजेक्ट कॉलम भी चाहिए तो कॉमा देके मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा, एंड देन फ्रॉम किस टेबल से आप ले रहे हो उस टेबल का नाम आपको लिखना है, तो मेंटोर से सेमी कॉलम, और इसको मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास दो ही कॉलम आउटपुट में आ गए। इसी तरीके से अगर मैं केवल एक कॉलम चाहता हूँ तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं केवल मेंटोर आईडी चाहता हूँ तो मैं केवल सेलेक्ट मेंटोर आईडी जो कि कॉलम का नेम है फ्रॉम मेंटोर से टेबल का नेम है, तो आप देखिए मेंटोर आईडी मेरे पास शो हो रहा है। अब हम लोग बातें करेंगे किस तरीके से आपको मतलब यूज़ करना है अपना खुद का नेम। जब आप कॉलम को डिस्प्ले कर रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं ये मेरा मेंटोर आईडी जो है इस तरीके से नहीं, मेरा खुद का कोई नेम हो वो मैं देना चाहता हूँ, तो वो हम लोग देते हैं एलिसेस के थ्रू। एलिसेस यानी कि आप यूज़ कर सकते हो एज कीवर्ड। एज एक ऐसा कीवर्ड होता है जिससे आप अपना खुद का नेम डिस्प्ले करा सकते हैं जब आप सेलेक्ट करते हो डेटा को आउटपुट में। ये मतलब मेन कॉलम के नेम को चेंज नहीं करेगा, ये केवल डिस्प्ले करने के लिए आपके नेम को चेंज करता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी मेंटोर आईडी के नेम को चेंज करना है तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। मुझे सिंपल सा क्या करना है, एज कीवर्ड यूज़ करना है और उसके बाद अपना नेम देना है। तो जैसे मैं देता हूँ मेंटोर आईडी, ये दिया तो ये मेंटोर आईडी मेरा ये डिस्प्ले करेगा इस मेंटोर अंडरस्कोर आईडी की जगह पर। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देखिए ये मेरा नेम चेंज हो गया। बट अगर मेरे नेम के अंदर कोई स्पेस है, जैसे मान लीजिए ये मेंटोर स्पेस आईडी है, तो स्पेस अगर आप दे रहे हो तो आप यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करिए, सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप सिंगल कोट यूज़ करेंगे तब आप स्पेसेस दे सकते हैं, आप चाहो तो डबल कोटेशन भी दे सकते हैं, इस तरीके से डबल कोटेशन भी दे सकते हैं, तो भी आपका ये एलिसिस वर्क करेगा। अब देखिए वर्क कर रहा है। और एक तीसरा तरीका भी होता है जिसको हम लोग टिल्ड बोलते हैं, ये आपका एस्केप बटन के नीचे होता है, आप इसको भी यूज़ करके एलिसेस का नेम दे सकते हैं जब आपके नेम के अंदर स्पेसेस हो। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये भी मेरा कमांड रन करेगा। सो इस तरीके से हम अपने कॉलम को अपना खुद का नेम दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर रोज को डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी तक तो हमने कॉलम को डिस्प्ले करा है, अब हम लोग किसी पर्टिकुलर रो को फिल्टर करके आउटपुट में लाना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सारा का सारा आउटपुट शो करके दिखाता हूँ। ये एम्प्लॉय, अब इस एम्प्लॉय के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल टॉप के 3 रोज चाहिए, जिसमें मेरा ये पहला वाला रो हो, दूसरा और तीसरा रो, तो मुझे टॉप के केवल 3 रो शो करने हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिमिट कमांड, लिमिट कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो
मैं सिंपली इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल टॉप के 3 रोज चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर Limit 3। Limit 3 क्या करेगा, ये टॉप का 3 रो आपके सामने आउटपुट में शो करेगा। तो आप देखिए 1, 2, 3 3 रोज मेरे पास शो है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इनमें से भी केवल 2 कॉलम चाहिए, जैसे ID कॉलम चाहिए और एम्प्लॉय नेम कॉलम चाहिए। तो मैं ये 2 कॉलम यहाँ पर दे दूंगा और फ्रॉम एम्प्लॉय Limit 3। तो ये मेरा कॉलम नेम्स है, 2 कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरा टेबल नेम है और ये मेरे कितने रिकॉर्ड्स यानी कि कितने रोज मैं चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको शो करूंगा तो आप देखिए 3 रोज शो हो गए। अगर मैं लिमिट में 1 लगा देता हूँ तो केवल 1 आपका टॉप रोज शो करेगा, केवल टॉप का रोज शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और समझना है, जैसे अभी मैंने Limit 3 यहाँ पे यूज़ किया तो ये देखिए 1 से स्टार्ट कर रहा है 3 तक जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट यूज़ कर देता हूँ, ऑफसेट ऑफसेट क्या करता है, ये स्किप करने के लिए होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर के 2 रो को स्किप करके उसके बाद नेक्स्ट 3 रोज को डिस्प्ले कराना है। तो ये अगर हम रन करते हैं देखिए होगा क्या, 3, 4, 5 टॉप के 2 रोज को हम स्किप कर रहे हैं। तो ऑफसेट क्या करता है, आपका टॉप के 2 रोज को स्किप करने के लिए होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं और उन कॉलम्स में से हम केवल डिस्टिंक्ट पहलू को निकाल रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट्स को नहीं निकाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पूरे के पूरे एम्प्लॉय कॉलम को चेक करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए जेंडर जो है, जेंडर के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स हैं, तो मैं जेंडर कॉलम को डिस्प्ले कराता हूँ। तो सेलेक्ट जेंडर और मैं एलिसेस दे देता हूँ, यानी कि इसका नेम दे देता हूँ जेंडर, इस तरीके से फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल का नेम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जेंडर का कॉलम शो हो, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये जेंडर का कॉलम पूरा का पूरा शो रहा है, इसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है, मेल यानी कि M, फीमेल यानी कि F, तो ये शो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी कमांड को रन करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं और डिस्टिंक्ट के बाद हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर अपना कॉलम नेम देंगे। तो ये क्या करेगा, जेंडर कॉलम में जो डुप्लीकेट्स रहते हैं उनको रिमूव करके केवल 1 वैल्यू आपको शो करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ देखिए क्या होगा, केवल 1 टाइम मेल और 1 टाइम फीमेल शो है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम्स के। अब हम लोग बातें करेंगे अगर हमें खुद का कंडीशन लगाना है, जैसे अभी मैं अगर एम्प्लॉय कॉलम को शो करूँ तो मेरा देखिए सब कुछ शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल वही डेटा चाहिए, वही रिकॉर्ड चाहिए जिनका जिनको लगभग लगभग 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कंपनी के अंदर। तो अगर मुझे ये कंडीशन लगाना है तो मैं इसको अभी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मुझे वेयर क्लॉज यूज़ करना होता है अगर कोई कंडीशन लगाना होता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कि टेबल नेम, स्टार यानी कि सारे के सारे कॉलम। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा वेयर, वेयर ईयर्स इन कंपनी, ये मेरा कॉलम का नेम है, मैं इस कॉलम के अंदर कंडीशन लगाऊंगा। तो जिस कॉलम के अंदर आपको कंडीशन लगाना है उस कॉलम को आपको लिखना होगा और मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 या 2 साल से ज़्यादा उनको कंपनी के अंदर हो चुके हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए 2 से ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो रिकॉर्ड्स होंगे वही केवल शो होंगे। तो देखिए 1 वाला जो था वो डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे केवल 5, केवल मुझे जो 2 साल हो चुका है उन्हीं का केवल रिकॉर्ड्स हो, तो मैं इक्वल टू यूज़ करूँगा। तो इक्वल टू अगर मैं यूज़ करता हूँ देखिए क्या होगा, केवल जिनको 2 साल हो चुके हैं वही केवल शो होंगे। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे लेस देन 2 ईयर्स जिनको हुआ है उनको शो करना है, तो मैं लेस देन यूज़ करूँगा। तो आप देखिए इसको अगर मैं रन करता हूँ तो भाई इसको मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो केवल 1 जिनको 1 ईयर है हो चुका है कंपनी के अंदर वही केवल शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2, ये एक्सक्लेमेशन जो होता है ये नॉट को इंडिकेट करता है, नॉट इक्वल टू 2 मतलब 2 ईयर वालों को रिमूव छोड़कर बाकी सब शो होंगे। तो देखिए 2 साल वाले को छोड़कर बाकी सब शो होंगे। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गए, लेस देन हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू इस तरीके से करते हैं, नॉट इक्वल टू इस तरीके से करते हैं, एंड इक्वल टू आप केवल इक्वल टू यूज़ करते हैं इक्वल टू। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपना वेयर क्लॉज के साथ में। तो ये वेयर क्लॉज आपका कंडीशन लगाने के लिए होता है। आप और भी बहुत सारे कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे आप चाहते हो कि मुझे केवल मेल पर्सन का रिकॉर्ड लेके आना है, जितने भी मेल हैं एम्प्लॉय उनको शो करना है। तो मैं यहाँ पे वेयर जेंडर इक्वल टू एम कर देता हूँ, एम कर देता हूँ, तो
ये मेरा केवल, अब ये इस तरीके से हम लोग सिंगल कोट के अंदर करेंगे, तो इसको मैं रन करूंगा, देखिए जितने भी मेल हैं वो शो होंगे, अगर मैं यहीं पे फीमेल कर देता हूँ जितने भी फीमेल रिकॉर्ड्स हैं वो शो होंगे ऐसे। तो वेयर इज फॉर अप्लाइंग द कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग योर डेटा, तो इस तरीके से हम लोग वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें कुछ रेंज यूज करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें केवल जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है, मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल 1 से लेकर 5 तक जितने भी आईडी वाले एम्प्लॉय हो उनको शो करना है, तो वो हम कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए मैं सबसे पहले वापस से सारे एम्प्लॉय को शो करता हूँ, इस कमांड को मैं रन कर रहा हूँ। तो अभी देखो सारे के सारे एम्प्लॉय शो हो गए, मुझे 1 से लेकर 5 तक के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको शो करना है। तो मैं इसी कंडीशन के अंदर यूज़ करूँगा वेयर आईडी, हम आईडी में कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर आईडी बिटवीन, बिटवीन हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जब हमें किसी दो पर्टिकुलर नंबर के बीच का रिकॉर्ड शो करना होता है, तो बिटवीन 1 एंड 5, तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे वो शो होंगे। तो मैं आईडी में, आईडी कॉलम के अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ, ये मेरा कॉलम नेम है, बिटवीन जो है वो 1 और 5, यानी कि 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ देखिए क्या होगा, तो 1 से लेकर 5 तक शो हो रहा है। अगर मैं यही चीज़ 2 से 4 कर देता हूँ तो 2 से लेकर 4 तक जितने भी रिकॉर्ड है वो शो होंगे, तो 2 3 4। तो इस तरीके से हम बिटवीन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइक, लाइक बेसिकली हम लोग एक कमांड होता है, कीवर्ड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम के अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड करने के लिए। सिंपल सा, अगर मैं आपको पूरा का पूरा ये डेटा शो करूँ, जैसे ये एम्प्लॉय मैं शो करूँ, सो अगर मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि कौन से ऐसे नेम, एम्प्लॉय नेम है जिनके लास्ट में जीएच यूज़ हो रहा है, मतलब जीएच, जिनका लास्ट में जीएच यूज़ हो रहा है, तो मैं पैटर्न फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वेयर, अब मैं किस कॉलम के अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम, तो ई एम नेम। इसके बाद मुझे लाइक कीवर्ड यूज़ करना है, आप लाइक को कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो लाइक में मुझे यूज़ करना है, सिंगल कोट के अंदर मैं दूंगा परसेंटेज जी एच, परसेंटेज जी एच क्या कर रहा है, परसेंटेज का मतलब होता है जी एच सबसे लास्ट में रहना चाहिए, उससे पहले अननोन नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ देखिए क्या होगा, तो केवल सिंह वाले जो है वो शो होंगे, सिंह राम, ऋतिक सिंह, कृतिका सिंह, तो ये पैटर्न फाइंड करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आई थिंक ओके, अगर मैं यहाँ पे TIK कर देता हूँ एंड परसेंटेज, पीछे भी परसेंटेज लगा देता हूँ, तो इसका मतलब आगे भी अननोन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पीछे भी अननोन नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम के अंदर TIK आना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ देखिए क्या होगा, तो ऋतिक सिंह और कृतिका सिंह इन दोनों के अंदर TIK आ रहा है, तो इन्हीं दोनों को आउटपुट में हम लेकर आ रहे हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे केवल, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अंडर स्कोर यूज़ किया, अंडर स्कोर, तो अंडर स्कोर क्या करता है, बेसिकली डिफाइन करता है कि TIK से पहले केवल एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूँगा देखिए मेरा आउटपुट एरर आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नेम नहीं है जिसके TIK और आगे केवल एक एक लेटर हो। लेकिन अगर मैं यही चीज़, अगर मैं इसको रन करूँ देखिए, ऋतिक के आगे आई थिंक दो बार R और I है, तो अगर मैं 2 टाइम्स अंडर स्कोर देता हूँ तो मेरा ऋतिक शो होगा, और इसके पीछे मैं परसेंटेज लगा देता हूँ क्योंकि परसेंटेज इसके पीछे सिंह भी लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ देखिए क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, TIK से पहले दो कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कि ऋतिक में ही R और I है, परसेंटेज का मतलब TIK के बाद में कितने भी अननोन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो आई होप आपको अंडर स्कोर का मतलब समझ में आया होगा और परसेंटेज का मतलब समझ में आया होगा। परसेंटेज का मतलब होता है अननोन नंबर ऑफ कैरेक्टर, और अंडर स्कोर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, तो जितने भी कैरेक्टर चाहिए उतने बार आपको अंडर स्कोर लगाना होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग इन और नॉट इन कीवर्ड कब यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हमें, जैसे ये जो एम्प्लॉई है इसको मैं पहले शो करता हूँ, सो इसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से अपने रिकॉर्ड को शो करना है, जैसे मैं चाहता हूँ आईडी है, आईडी में चाहता हूँ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर लिस्ट है, जैसे 3 4 एंड 7, मुझे इन्हीं तीनों में से रिकॉर्ड को शो करना है, अगर है तो आना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने हैं वही शो होंगे, मैं 9 भी ले लेता हूँ। तो मुझे इन्हीं 4 में से रिकॉर्ड को शो करना है, तो मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी, कॉलम का नेम देंगे आईडी, इन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी लिस्ट को देंगे, जैसे मैं चाहता हूँ 3 4 7 और 9, तो जितने भी इन लिस्ट में से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन्हीं को हम शो करेंगे। देखिए
3, 4 और 7 तो इसको मिल गया, लेकिन 9 नहीं मिला, फिर भी वो 9 को छोड़कर बाकी सारे लोगों को निकाल कर ला दिया। तो इस तरीके से हम लोग इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बट अगर मैं नॉट इन यूज़ कर दूंगा, नॉट इन का मतलब होता है इन तीनों लिस्ट के अलावा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इन तीनों लिस्ट के अलावा 1, 2 और 5 जो आई डी के रिकॉर्ड है उनको केवल हम लोग शो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एंड और कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। एंड और कीवर्ड का मतलब होता है, जैसे अगर आपने कभी एंड यूज़ किया तो ये बेसिकली हम लोग कंडीशन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो एंड कंडीशन में क्या होता है, जैसे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दिया है, तो अगर कंडीशन 1 भी मेरा 2 है और कंडीशन 2 भी मेरा 2 है तो हम लोग एंड ऑपरेटर का, एंड कमांड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बट हम चाहते हैं नहीं, हमारा कोई पर्टिकुलर एक ही कंडीशन ट्रू या एक से ज़्यादा कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 यूज़ करते हैं, कंडीशन 2। तो इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन 1 भी ट्रू होगा तो भी इसका आउटपुट ट्रू आने वाला है, अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू आने वाला है, अगर दोनों भी ट्रू है तो भी आउटपुट आपके ट्रू आने वाला है। लेकिन एंड के केस में क्या होता है, दोनों ही ट्रू होने चाहिए, अगर एक भी फॉल्स है तो कंडीशन आपका रन नहीं करेगा। इसको मैं एक रिजल्ट, एक आउटपुट निकालता हूँ आपके सामने, जैसे कि मैं इसको पहले रन करता हूँ, ये मैंने रन किया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए जिनकी सैलरी लगभग 5000 से ज़्यादा हो और उनको लगभग लगभग दो साल से ज़्यादा भी कंपनी में हो चुका हो, तो मुझे दोनों ही कंडीशन को ट्रू करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेयर के बाद सबसे पहले मैं सैलरी में कंडीशन लगाऊंगा, सैलरी में मुझे कंडीशन लगाना है कि उनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 होनी चाहिए, ये कंडीशन मेरा ट्रू होना चाहिए। एंड मुझे चाहिए कि उनको ईयर्स, उनको कंपनी में लगभग 5 साल से ज़्यादा भी हो चुके हैं, कंपनी ग्रेटर देन 5। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो पर्सन सो हो जिसको जिनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है और उनको कंपनी में 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, दोनों ही कंडीशन हमें ट्रू चाहिए, तो इसलिए मैंने एंड यूज़ किया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखते हैं कोई आउटपुट आता है हमारे पास। तो एक ऐसा पर्सन है प्रिया यादव जिनकी सैलरी 7500 जो कि 5000 से ज़्यादा है और 5 साल से ज़्यादा भी हो चुका है कंपनी में। बट अगर मैं यहाँ पे और यूज़ करूँगा तो देखिए आउटपुट क्या होगा। अब और का मतलब क्या है, उनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा हो या फिर उनको कंपनी में 5 साल से ज़्यादा हो या दोनों ही कंडीशन ट्रू हो, तो उस कंडीशन में ये आउटपुट देखिए क्या निकल आएंगे। तो उस कंडीशन में मेरे पास 3 आउटपुट आ रहे हैं, जैसे इनको 6 साल हो चुके हैं, इनको 7 साल हो चुके हैं, भले इनकी सैलरी कम है लेकिन पहला एक कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा है इसलिए आउटपुट में सो रहा है। तो और काम करता है जब एक या एक से ज़्यादा कंडीशन ट्रू हो, एंड मेरा तब ट्रू होता है जब मेरा दोनों ही कंडीशन ट्रू हो।